नमस्कार दोस्तों। तो मैंने पिछले दिन रात को एक वीडियो बनाया था कि Redmi 10 Prime आने वाला है और वो भी सितंबर महीने पे इंडिया पे 100% लॉन्च होने वाला है और उसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 11,000 से 12,000 रुपए के बीच में। और आज कुछ देर पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्पेशल स्क्रीनशॉट सेंड किया है जहां पर मैंने ये चीज देखा है कि पोको दरअसल इंडिया ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में कह रहा है जिसका मेन स्पेशलिटी होगा इसका कैमरा। मतलब ये थोड़ा सा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है, वो भी बजट रेंज में स्मार्टफोन होने वाला है। और अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है वो दरअसल पोको M4 होगा, लेकिन ये जो पोको M4 कोई नया स्मार्टफोन नहीं होगा। आपने देखा है कि अभी तक पोको कंपनी ने जो भी स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च किया है, यहां तक आप देख सकते हैं कि ये जो पोको X3 ये भी दरअसल Xiaomi का एक स्मार्टफोन है जिसका रीब्रांडेड वर्जन है। तो कहा जा रही कि जो पोको M4 आने वाला है ये दरअसल Redmi 10 Prime का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे जो पोको M4 इसमें आपको एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया पे लॉन्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। आप देखिए अभी तक पोको M3 Pro आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया और कमाल का डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। मतलब इसके डिजाइन के साथ जो ओरिजिनल Xiaomi का स्मार्टफोन उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नया वाला पोको M4 आएगा उसका डिजाइन बहुत ही यूनिक होगा। मुझे जितना लग रहा है ये जो पोको M4 इसका पीछे का डिजाइन एग्जैक्टली ऐसा होगा, ऑलमोस्ट पोको M3 के जैसा ही होगा, लेकिन कैमरा के अंदर थोड़ा सा अलग होगा। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि 3 कलर में आएगा, ब्लैक, येलो और ब्लू। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.9 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 181 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो होगा ऑलमोस्ट 89% के आसपास। और क्योंकि पोको जनरली आपको सबसे ज्यादा टच सैंपलिंग रेट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो पोको M4 इसमें आपको 100% 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो G88 प्रोसेसर, मतलब ये इंडिया का दूसरा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको हीलियो G88 प्रोसेसर मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हीलियो G85 के जैसा ही है। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रही है कि सिर्फ 2 ही वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 6 64 GB, 6 120 GB, लेकिन इसका एक 4 64 GB वेरिएंट बाद में लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी UFS 2.1 या फिर eMMC 5.1 होने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल वर्जन मतलब जहां से ये स्मार्टफोन कॉपी किया जाएगा जिसका नाम है Redmi 10 Prime उसमें आपको मिल रहा है eMMC 5.1। तो इसलिए जो पोको M4 इसमें भी eMMC 5.1 होने की सबसे ज्यादा चांस है और इसमें आपको 100% 2+1 कार स्टार्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्मार्टफोन का मेन फीचर होने वाला है इसका कैमरा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 58 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और इसका जो 50 मेगापिक्सल सेंसर ये दरअसल सैमसंग JN1 सेंसर है। और ये वीडियो बनाने से पहले एक मैंने एक न्यूज़ देखा कि 2-3 दिन बाद वीवो अपने एक नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च करने वाला है, वो 17,000 के आसपास, जिसमें आपको एक सेम 50 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलेगा। तो मतलब मैं ये चीज़ कह सकते कि जो पोको M4 आने वाला है इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया होगा। बैटरी के मामले में आपको इसमें मिलेगा 5000 mAh बैटरी, उसके साथ आपको 18W का चार्जर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 22.5W तक सपोर्ट होगा। और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। इसमें आपको 100% डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। अगर स्मार्टफोन के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और IP52 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ये जो पोको M4 Redmi 10 Prime का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है जो कि आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा। Redmi 10 Prime इंडिया में लॉन्च हो रहा है 1st से 10th सितंबर के बीच में, तो ऑब्वियसली जो पोको M4 इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए सितंबर महीने के एग्जैक्टली लास्ट वीक पे या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे, मतलब दिवाली से एग्जैक्टली पहले। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते जो पोको M3 उसका प्राइस इंडिया में 10,500 रुपये के आसपास, तो इसीलिए ये जो नया वाला पोको M4 लॉन्च होने वाला है इसका प्राइस इंडिया में होना चाहिए 11,500 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में, मतलब आइदर 11,500 या फिर 12,000 रुपये पे। तो अभी हर
वीडियो के जैसा इस वीडियो में आपको कहूंगा कि ये जो 12,000 रुपए में स्मार्टफोन आने वाला है, क्या आपको वो लेना चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए, जैसे ही मैंने पिछले दिन रात के वीडियो पे कहा था, Redmi 10 Pro 12,000 रुपए में एक अच्छा खासा ऑलराउंड कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, इस बार भी मैं सेम चीज कहूंगा। ये जो पोको M4 आने वाला है, ये 12,000 रुपए के आसपास एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाला कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि जो लोग इस प्राइस पॉइंट के आसपास सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे 12,000 रुपए के आसपास कोई नया स्मार्टफोन लेना होगा तो मैं 100% इस पोको M4 स्मार्टफोन को चूज करना चाहूंगा। वैसे अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 12,000 रुपए में जो पोको M4 आने वाला है और 12,000 रुपए में जो Redmi 10 Prime आने वाला है, दोनों में से आप कौन सा लेना चाहेंगे, मैं वो नीचे जरूर देखना चाहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।